तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अजफ। तो जो वीडियो देख रहा हूँ वो है आस्किंग सेलिब्रिटीज हाउस टूर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये बॉलीवुड स्टार मतलब करोड़ों के होते हैं, ये तो हम सबको पता है, पर ये घर अंदर से कैसे दिखते हैं ये हम में से किसी को नहीं पता। इसलिए आज की वीडियो में मैं जाने वाली हूँ इन बॉलीवुड स्टार के घर और इनसे मांगने वाली हूँ इनका स्टार पे ग्लास को नहीं लगाया इसने। इस वीडियो के एंड में मैं जाऊंगी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के घर हाउस टूर मांगने, और मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है ये आपको लास्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट भी तो है। फर्स्ट हाउस यार, उनके घर के बाहर जाके क्या क्या काटोगे। मुझे लगता था मैं ही एक हूँ इस दुनिया में, पर नहीं, ऐसे बहुत हैं। तो सबसे पहले हम आए हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी के घर, जलसा समय आका डंडा जलसा। अमिताभ बच्चन खुद जितने लंबे हैं उतनी दीवारें करवा रखी हैं, देख रहे हो। 2 किलोमीटर दूर कभी किसी को अंदर की दीवारें, अंदर का घर ना दिखे। अमिताभ से मिलने आए थे? अमिताभ से चारा यार, ना करो यार। मुझे लगा कि वही मैं कह रहा हूँ, बड़ी गाड़ी से आए डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बच्चे होंगे या डायरेक्टर प्रोड्यूसर होंगे, ये कोई ट्रेंड चल रहा है क्या? क्या कौन सा गेम? स्कैवेंजर हंट, ट्रेजर हंट। अमिताभ बच्चन अपने घर के बाहर गेम खिला रहे हैं, जो आ रहा है वही बना के जा रहा है। एक और गाड़ी आई, एक और गाड़ी आई, मंगे पाऊ आया ये क्या? 25 साल का घर है क्या? आप मिलने आए हो? हाँ, हम आए औरंगाबाद से। तो इतने बड़े फैनों की नंगे पैर आ गए, चप्पल कहाँ है? ओ, हैबिट है हमको। तो गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन का घर ही नहीं है, अब ये एक प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं फोटो खिंचवाने, यार वैसे मुश्किल होती होगी ना। कुछ लोग दूर दूर से आते हैं हाउस टूर मांगने। ओ दे दे प्यार दे। भैया, मैम, हम लोग को बोलने के लिए अलाउड नहीं है। अच्छा, बात करना अलाउड नहीं है? गाइस, भैया बता रहे हैं चुप रहना पड़ता है सैलरी के लिए। सैलरी सिक्योरिटी की मिल रही है कि मुंह बंद रखने की मिल रही है? परेशान नहीं करे, इंटरव्यू ले रहे दूर जाके बनाए। कॉन्फिडेंस है उन लोगों के लिए, मैंने धक्के भी खाए हैं, देख लो। पर फिर भी तुम 2 मिनट सब्सक्राइब कर दो चैनल, ठीक है? गाइस, यहाँ पर तो सिक्योरिटी बात भी नहीं कर रही है, मैं इनसे पूछूं कैसे कि मुझे घर दिखा दो अंदर से। तो गाइस, इनके पास बंगला है, गाड़ी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, क्या है मेरे पास? मेरे पास नेक्स्ट सेलिब्रिटी की लिस्ट है, क्योंकि मैं अब वहीं जा रही हूँ हाउस टूर मांगने। आ जाओ, गली देखते हैं बाहर से। जो बंगला है वो है एकता कपूर का। अच्छा, मैंने एकता कपूर की तस्वीरों में नोट किया, मैंने ये बंगला एकता कपूर का अकेले का नहीं है, यहाँ पे उनके पापा जी जितेंद्र जी, जो अपनी सदी के महानायक सुपरस्टार रह चुके हैं, और एक बंदा और रहता है इस घर में, उसका मैं आपको एक फेमस डायलॉग बोल के दिखाती हूँ, शायद आप पहचान जाओ। हाँ, वही यही सुपरस्टार रहता है इस घर में, जिसकी बात अंकल ने करी। एकता भी मिल रही है, जितेंद्र जी भी मिल रहे हैं, और तुषार कपूर तो देखिए किसी को मिल नहीं रहा, पर हम दिखा रहे हैं। हाँ, मैं निशु जी हूँ, थैंक यू सो मच। मैं इनके मैनेजर हूँ। अरे, आप मैनेजर हो? आप जिस हिसाब से लोगों को एंटरटेन करते हो, हम चाहते हैं हम उसमें से 1% कर पाए ना, तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए। एकता जी, सैलरी बढ़ाओ यार। अरे, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। जी हाँ, हम लोग ऐसे आज आए हैं मुंबई, पेट के बल चल के आए हैं, हमें हाउस टूर मिलेगा? हाउस टूर तो इम्पॉसिबल है, उसकी परमिशन नहीं है, यहाँ गेट से भी नहीं देख सकते खड़े, गेट से ऐसे देख सकते है ना। तो गाइज, ये एकता कपूर के घर का मेन दरवाजा है, जितना मिल रहा है चुपचाप देख के, कितना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा बंगला तो मैंने और सुपरस्टार्स के भी देखे। अरे, आपका भी हो जाएगा, कितना खुश है वो। आप ऐसे काम करते रहिए और लोगों को एंटरटेन करते रहिए, थैंक यू सो मच। कितना फैन हूं, इतना भी नहीं है।
अंदर नहीं जाने दूंगा। घर में तो बॉस लोग हैं ना सर। एकता कपूरा है मैम भी। बोलो मैं ऑडिशन देने आई हूँ, मैं यही ऑडिशन दे दूंगी। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो? नहीं अब तो आर्ट वाला जी चल रहा है ना, अब थोड़ा वैसे ऑडिशन। बंगले का मेन गेट यहाँ से है और इधर से भी एक गेट है और बाहर बहुत बड़ी स्पेस है बैठने के लिए। हम जैसों की तो शादी भी हो सकती है, इतना स्पेस है। गाइस ये नेम प्लेट लगी हुई है कृष्णा। अच्छा तो गाइस कृष्णा जो है ना वो जितेंद्र जी की मम्मी का नाम है। अब तो मुझे भी बच्चे ही पैदा करना पड़ेंगे यार। तो मेरे नाम पैदा बंगला बनाते रैंडमली जाके इससे बातें करना ऐसा लाइक। हाउस टूर तो इन्होंने भी नहीं दिया पर इन्होंने जितना दिखा दिया हमें तो उतने की भी उम्मीद नहीं थी। धन्यवाद एकता कपूर, आई लव यू। क्या बोलने का स्टाइल अच्छा है लड़की का। चलाए डिफरेंट एक आदि तुषार कपूर की फिल्म भी चलाए। पोस्ट कर रही है सर उसकी क्या। मेरे पीछे जो आपको ये छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है ये है सुरेश ओबेरॉय जी का घर जो कि विवेक ओबेरॉय के पापा हैं। तो ये विवेक ओबेरॉय का भी घर हुआ ना। इस घर में है मोदी का परिवार। मुझे तो लगा था इस घर में विवेक ओबेरॉय का परिवार। अंकल नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं। क्या आप मुझे ये बताएंगे यहाँ कोई सेलिब्रिटी रहता है? हाँ रहता है ना। कौन रहता है? माधुरी। माधुरी हाँ। तो ये आपको हीरोइने दिखती हैं? क्या करेगा देख के? देख के ऐसे खुशी मिलती है? हमको खुशी नहीं चाहिए, हमको बस कमाना पैसा मिलेगा, खाना खाएगा बस हो गया। पर इन्होंने हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि आगे माधुरी रहती है। हीरो हीरोइन रहते हैं? सिक्योरिटी क्यों नहीं रहते? आप भी तो हीरो ही हो, इतनी मेहनत करते हो। अंकल हीरो से कम है क्या? अंकल के लिए लाइक करो, बस ऐसी स्माइल करते रहा करो। अरे भाई कोई गाड़ी चढ़ा जाएगा, वैसे भी सलमान खान के शहर में हूँ मैं। आ जाऊँ क्या? आपको पता है माधुरी दीक्षित कहाँ रहती है? चार माले पर रहती थी। कहाँ पर? इसी आरएस पार बिल्डिंग में। इसी बिल्डिंग में चौथे माले में माधुरी दीक्षित रहती है? रहती थी। अब कहाँ है? अभी वो इधर पनमेल कर रहे हैं। कहाँ? पनमेल हरण कहीं रहती है। पलवल। अरे हमको ना घर देखना था अंदर से। घर बंद है ना? अरे यार तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से जुहू से सीधा बांद्रा। वहाँ पे और भी बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं और बहुत बड़े बड़े बंगले हैं। ये तो इतना तो मुझे पता। ये बंगला है किंग खान शाहरुख खान का। और भाई ज्यादा बैरिगेटिंग है घर के बाहर। मुझे तो लग रहा था यार जाएंगे गार्ड से बात करेंगे, हो सकता है कि यार हाउस टूर मिल ही जाए। तो ये है मेन गेट ठीक है, ये ग्रे वाला। ये है वो जगह जहाँ पे शाहरुख खान आते हैं और अपनी बाहें फैलाते हैं। फोटो लेने जानते हो मेरे को? जानते तो नहीं, जानते तो नहीं। ना, जब मुझे नहीं जानते तो फोटो लेके क्या करोगे? अरे फोटो लेने से थोड़ा हाँ, थोड़ा क्या ऐसे हो जाता है। क्या हो जाता है? बस ऐसा है, शौक है। शौक है लड़कियों का फोटो लेने का। बीवी है तुम्हारी? देखो क्या कह रहे हैं, शौक है? नहीं शौक नहीं है, जिंदगी में हमारे जो भी हम आए हैं खुशहाली के लिए आए हैं। खुशहाली के लिए आए हाँ। तो इनको मेरा फोटो लेके क्या खुशहाली मिलेगी? नहीं जिंदगी में हम सोचते हैं कि कुछ भी जिंदगी में क्या कहना कि चाहिए इंसान चला जाएगा बस, और क्या चाहिए। इनका कहना है इंसान एक दिन चला जाएगा, तो आज मेरे साथ फोटो खिंचवा लो। ले लो भाई आप फोटो ले लो। जैसे दिल्ली में इंडिया गेट है वैसे मुंबई में शाहरुख खान का घर है मन्नत। यहाँ नाम पिकनिक वाला मॉल है। ये था हमारा हाउस टूर। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा इधर। गाइस किंग खान का घर तो किसी का भी नहीं लगता देखने में, पर कोई दिक्कत नहीं है, भाई जान भी यही रहते हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर। हो सकता है वो दिखा दे अपना घर, उनका मूड अच्छा हो आज। आज ना सुबह सुबह ना सलमान खान के घर के बाहर ना फायरिंग हुई है, किसी ने गोली वोली चलाई है। उधर मार्क वगैरह लगा हुआ है सर्कल के पास। इस तरफ भी पुलिस की गाड़ी है और यहाँ पे भी पुलिस की बड़ी वाली गाड़ी खड़ी है। और इसके
आगे भी पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, मतलब इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। आज तो हर चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सलमान खान का घर ही दिखाया जा रहा है। अभिनेता सलमान के घर फायरिंग हुई है जी, पता नहीं क्या बना दिया होगा सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी के सामने फायरिंग होती है। तो हम क्या ही रिकॉर्ड करें, इंटरनेट पे पहले ही आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं बॉम्बे आई हूँ, आज ही होना था ये कांड। मतलब होना तो कभी भी नहीं चाहिए, पर इसके चक्कर में हम आगे नहीं जा सकते। सिर्फ जा सकते हैं तो अगले जाने को देख। ये देख रहे हो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसके जो दो फ्लोर हैं वो श्रद्धा कपूर के हैं। यहाँ से तो हमको दिख गया बाहर बाहर से, ठीक है। हमारा गोल क्या है, हाउस टूर मांगना। उसके लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा, गली ढूंढनी पड़ेगी। नहीं मिला। आ जाओ। सिक्स्थ फ्लोर। आपको किधर जाना है? मैं यहीं खड़ी हूँ, श्रद्धा कपूर से मिलने आई हूँ। बहुत बड़े चैनल से हम लोग तो अभी गली दिखा रहे हैं, अभी आएगी तो फिर हम अंदर जाएंगे इंटरव्यू लेने। मिला दो मुझे। हैं, मिलोगे श्रद्धा कपूर से? हाँ। हजार रुपए है तुम्हारे पास? नेक्स्ट टाइम दे दो। नेक्स्ट टाइम थोड़ी, अभी आ जाओ। मैंने तो हजार की दिहाड़ी लगाई, नहीं मिली हाउस टूर, नहीं मिला तो कुछ इनकम ही हो जाए। हाँ मैं वही हूँ जो तुम सोच रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। हाँ हाँ वही, उसको बेचारी के नाम नहीं आ रहा। ऐसे अटकी हुई ऐसे। अरे यार YouTube पे। क्या YouTube पे देखा है? हाँ। नाम याद नहीं आ रहा होगा। नहीं नहीं, मैंने दो तीन ब्लॉग देखा है बस आपका, एक शादी का देखा Stranger. है। हाँ, वीडियो चली हुई है वो देखा होगा मानती हूँ। और एक आप घर का वीडियो बनाए थे, उसी का पार्ट टू है गाइस, सब्सक्राइब। काश तुम्हें मेरा नाम भी याद होता तो मुझे भी अच्छा लगता। भैया आप किसी चैनल से हो? फिर घर से। घर से श्रद्धा कपूर का घर किधर है? इस आदमी के ये वाली बिल्डिंग है। देखिए गाइस, यही वो दरवाजा है जिसे कभी श्रद्धा कपूर ने बंद किया होगा या खोला होगा या हाथ भी लगाया होगा। अंकल ये श्रद्धा कपूर की प्रॉपर्टी। झूठ मत बोलो। अरे अंकल सुनो तो, अरे अंकल सुनो तो, एक मिनट सुनो तो सही। अरे हम तो अंकल, मैं बिहार से चल कर आई हूँ। अच्छा इधर तो आओ। मैंने श्रद्धा के घर को इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। यहाँ जॉगिंग करती होगी सुबह सुबह। क्या सोच रही है? इसका मतलब ये नहीं मुंडा के पहुंच जाना, ठीक है घर रहो अपने। तो गाइस ये था श्रद्धा कपूर का घर जिसमें ना तो गार्ड ने हमको एंट्री दी, और सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा जी की, तो वो भी अच्छी है पता है। और घर का नाम है किनारा, किनारा सोच समझ के रखा है कि जो आए किनारा ही कर ले। लकड़ी का गेट है गाइस, बहुत सही लग रहा है। देखिए आप देख सकते हैं चिकनाई, देखिए दरवाजे की। अब आप आ गए हो, पैसा खर्च करके दिल्ली से बॉम्बे आए हो, तो आप कुछ किसी भी चीज को दिखाओ, कुछ भी बोलो। ओ भाई साहब, गाड़ियां कितनी सारी खड़ी है, 4-5 करोड़ का सामान तो यहाँ पार्किंग में फेंक रखा है इन्होंने। अंकल राम राम। शिल्पा शेट्टी का घर है? हाँ। अभी होंगी घर पे? नहीं अभी सब बाहर। अगर चाहे तो ऐसे अंदर से घर देख सकते हैं? नहीं अंदर नहीं जा सकते हैं। पर ऐसे ना मेरा सपना रहा है बचपन से कि मेरे को ना हीरो हीरोइन के घर देखने हैं। लेकिन नहीं जाने का अथॉरिटी है ना, तो ये बाहर से बरामदा ही दिखा दो। नहीं देख सकते आप। अंकल मैं जा रही हूँ, आप चिंता मत करो। अगर मेरे को अंदर जाने देते तो क्या हो जाता, इन्हीं को फेम मिलता मेरी वीडियो से, चार लोग इन्हीं को ही तो जानते हैं। पैसे गाइस ना श्रद्धा मिली ना शिल्पा, दोनों पड़ोसियों के गार्ड ने हमको सही लताड़ा है ना, पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ गए दो गली आ गए, अक्षय कुमार रहता है मेरा फेवरेट हीरो, और वो थोड़ा जेंटलमैन है, देखते क्या होगा। हम है सीधे साधे, अक्षय।
तो गाइस ये अक्षय कुमार के घर की गली है। अक्षय कुमार लाइटें लगवाओ यार, इतना अंधेरा कर रखा है। मान लो कोई ब्लॉगर आ रहा है शूट करने, उसको कितनी दिक्कत होगी, लाइटिंग की कितनी प्रॉब्लम होगी, फ्लैश जलाना पड़ रहा है। भूल गए सर। अंकल ये अक्षय कुमार जी कहाँ रहते हैं? इसी बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्डिंग में रहते हैं? कौन से फ्लोर पे? फ्लोर अलाउड नहीं। क्या फ्लोर अलाउड में है बताना, उनको बताओ तो सही एक बार कि उनकी कितनी बड़ी फैन आई है। फैन तो यहाँ रोज आ रहे हैं। प्राइम बीच प्लॉट नंबर 1, मेरा फेवरेट हीरो जिसकी मैंने सारी फिल्में देखी, उसके गार्ड अंकल जो बाहर खड़े हैं, उन्होंने कहा कि आपको अलाउड नहीं है। तो अभी घर पे कोई भी नहीं है क्या? नहीं अभी नहीं। तो ये तो और अच्छी बात है, अब तो घर में कोई है नहीं तो फिर तो घर अच्छे से देख सकते हैं। और मैंने सुना ऋतिक भी है यहाँ पास? नहीं ट्रांसफर हो गए, यहाँ रहते थे अभी शिफ्ट हो गए दूसरी जगह। गाइस ऋतिक यहाँ रहते थे पर कंगना से झगड़े के बाद यहाँ से चले गए हैं। इधर से तो देख ही सकते हैं। तो गाइस बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं इसमें, पहले ऋतिक रोशन यहाँ रहता था, फिर झगड़ा बजा तो मतलब वो, अच्छा ये तो बोलना ही नहीं था। हाँ भाई ये नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है ऋतिक यहाँ रहते थे पर अब नहीं रहते, कंगना भी रहती थी पर यह भी नहीं बोलना। अंकल क्यों रहा लड़की? मैं सर कुछ नहीं जानता, मैं परदेसी आदमी हूँ, कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते अपने बारे में? कुछ बता। परदेसी आदमी हम क्या कर बता सकते हैं आपको, तो सब आपके शरण में रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं। ये तो है, ये तो है, सब सच बोल रहा है, बड़े लोग सच बोल रहे हैं, हमारा कहा है दुनिया में। अच्छा तो अक्षय कुमार यही रहते हैं? सिस्टर मैं नया लड़का हूँ, अभी नई नौकरी पाया, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। अच्छा आप नए लड़के लगे हो यहाँ? मतलब नौकरी के लिए। अच्छा नौकरी में नए हो आप, आदमी तो पुराने हो। सेलिब्रिटी के घर में भी जोमेटो से खाना आता है? या जोमेटो से हो जी? कौन सी बिल्डिंग में जा रहे हो? प्राइम भी। प्राइम? अच्छा अक्षय कुमार वाली में। तुम्हारी किस्मत बढ़िया है ना, हम तो पता सुबह से घूम रहे हैं सेलिब्रिटी का घर देखने के लिए, किसी ने नहीं दिखाया। लो खाना ले। मेरी आईडी का नाम है इंट्रोडक्शन कराया हर एक का, बट वीडियो अच्छी लगी है क्योंकि जाना ये बनाना ही काम है, कोई जाने तो नहीं देगा ऑब्वियसली ऐसे, जब तक आपका उनके साथ लिंक या कोई रेफरेंस ना हो, इसी तरह चलता है मेरे ख्याल से। तो खैर वीडियो अच्छा था, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में लाजमी देखिएगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय।